नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे दाल चावल। दाल चावल बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल हैं मूंग की दाल आधा पाव, मसूर की दाल आधा पाव, चावल आधा किलो, प्याज दो अदद दरमियाने साइज की, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, साबुत जीरा 2 टीस्पून, दालचीनी का टुकड़ा 1 अदद, ऑयल 1 कप, कड़ी पत्ता, चंद पत्ते, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। तरकीब, सबसे पहले दालों को अच्छी तरह धोकर भिगो दें, फिर एक पतीली लें और उसमें दालें, पानी, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, लहसुन अदरक पेस्ट डालकर इसे उबलने के लिए रख दें। जब दाल में उबाल आ जाए तो इसे मजीद 25 मिनट के लिए पकने दें। जब दाल का पानी खुश्क हो जाए तो उसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला डालकर इसे अच्छी तरह से घोट लें। फिर आप इसमें 1 कप पानी डालकर इसे अच्छी तरह 2 मिनट के लिए जोश दे दें। अब आपकी दाल तैयार है, इसे चूल्हे से उतार कर एक साइड पर रख दें। फिर एक फ्राइंग पैन लें, उसमें 1/2 कप ऑयल डालें और इसमें जीरा और कड़ी पत्ता डालकर 1 मिनट के लिए कड़कड़ा लें। फिर इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डाल दें और जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसका दाल में भगार लगा दें। अब एक पतीली लें, उसमें ऑयल डाल के गरम कर लें और फिर उसमें दालचीनी, जीरा और बारीक कटी हुई प्याज डालकर उसे ब्राउन कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें चावल और पानी डाल दें। याद रहे कि पानी चावलों से 1 इंच ऊपर हो। फिर इसे तेज आंच पर पकने के लिए छोड़ दें और जब चावलों में बबल्स आने लगे और पानी जब आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगे तो इसे ढक दें और 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे दम पर रख दें। 15 मिनट के बाद आपके चावल तैयार हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अब आपसे अगली रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।